हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यदि आपको भी गूगल प्ले स्टोर में इस तरह से मैसेज आ रहा है जब आप ओपन कर रहे हैं, यू हैव नॉट सेट अप परचेस वेरिफिकेशन, यूज़ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अथवा फेस टू इंस्टेंटली सिक्योर डिजिटल परचेस मेड थ्रू गूगल प्ले, इस तरह से मैसेज आ रहा है। आप गूगल प्ले ओपन कर रहे हैं तो दोस्त गूगल प्ले ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है, तो फिर अब आप क्या करेंगे दोस्त? इसका मतलब क्या है और इसका दोस्त आप इसको कैसे हटाएंगे, किस तरह से इसको आप दोस्त इसको ठीक करेंगे, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो दोस्त सिंपल सा, इसको हटाने के लिए आपको यूज़ बायोमेट्रिक और यूज़ पासवर्ड का ऑप्शन आता है, इन दोनों में से क्या आप यूज़ करना चाहेंगे? देखिए बायोमेट्रिक में आ जाता है फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, ये लगा सकते हैं। पासवर्ड में आ जाएगा, आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, तो ये दोस्त एक प्रकार से गूगल प्ले स्टोर आपका सिक्योर हो जाता है। ठीक है, ये आया इसलिए दोस्त यदि आप किसी को फ़ोन शेयर करते हैं तो आपका प्ले स्टोर डायरेक्टली कोई ओपन ना कर सके। दोस्त यहाँ पर आप यूज़ बायोमेट्रिक यहाँ पर आप करेंगे क्लिक और यहाँ पर अपने फ़ोन का फिंगरप्रिंट लगा देंगे। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो ये सेट हो चुका है और ये इस तरह से देख सकते हैं हट चुका है। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पर क्या रहा है, मीट द सर्च टैप, यहाँ देख सकते हैं सर्च टैप भी आ चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्च टैप ऊपर मिलता था, अब सर्च टैप आपको यहाँ पर मिलने लग गया है। तो दोस्त इस तरह से आप जो है गूगल प्ले स्टोर आपको देखने को मिलता है, ओपन हो जाता है। और ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा था, ताकि आप इसको प्रोटेक्ट कर सको, इसे सिक्योर कर सको। ठीक है दोस्त, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए गूगल प्ले स्टोर ओपन करता हूँ तो ये प्रॉब्लम मेरी जा चुकी है, अब ये प्रॉब्लम हमारी जा चुकी है और ये ओपन हो जाएगा। दोस्त आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है, हेल्प मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।